You don't want your last day to be the first day of your hijab. It touched me so deep. हिजाब मामले पर सुनवाई के बीच वायरल हुआ सना खान का पुराना वीडियो देखकर लोग हो गए भावुक। हिजाब पहनने पर उठे विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को लेकर सुनवाई के दौरान मुस्लिम याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने PUCL संगठन की रिपोर्ट का हवाला दिया। अहमदी ने आधार पर दावा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद 17,000 छात्राएं प्रभावित हुई है और उन्होंने या तो स्कूल छोड़ दिए या परीक्षा नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने PUCL रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार किया, कहा कि हम रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम इसे स्वीकार नहीं करते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि मार्च के फैसले का क्या प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हजारों मुस्लिम छात्राएं हिजाब बैन के कारण परीक्षा में नहीं आई। हुजैफा अहमदी ने कहा हिजाब पर प्रतिबंध के कारण बड़ी संख्या में ड्रॉप आउट हुए और हजारों मुस्लिम छात्राएं परीक्षा में शामिल नहीं हुई। जस्टिस दुलिया ने कहा कि ये फैसला मार्च 2022 का है, क्या आपको लगता है कि कोई प्रामाणिक अध्ययन हो सकता है? अहमदी ने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉलेजों द्वारा हिजाब पर प्रतिबंध सरकार की अधिसूचना और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में राज्य भर में हजारों मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा तक पहुँच से वंचित कर दिया गया और बड़ी संख्या में लोग अपनी परीक्षाओं में बैठने में असमर्थ थे। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम इन रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, हम नहीं मानते। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने कभी ड्रॉपआउट रेट का मुद्दा नहीं उठाया गया, आप पहली बार बहस कर रहे हैं। हिजाब मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होनी है। सोशल मीडिया पर हिजाब ट्रेंड कर रहा है, जिसमें पूर्व अभिनेत्री सना खान का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। हिजाब के सिलसिले में सना बात करते करते भावुक हो जाती हैं। सना खान अपने पूरे बयान में कहती नजर आ रही है कि जब एक आदमी का निधन होता है तो उसके जनाजे को 3 कपड़ों से ढका जाता है, लेकिन अगर किसी औरत का निधन होता है तो उसे 5 कपड़ों से ढका जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि अल्लाह को ये हरगिज पसंद नहीं कि मौत के बाद भी कोई औरत बेपर्दा हो, इसलिए मौत के बाद भी औरत के माथे को हिजाब के साथ कवर किया जाता है। इस्लाम में पर्दा नहीं करने वाली औरतों के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दुनिया में आपका आखिरी दिन हिजाब का पहला दिन बन जाए, यानी अल्लाह के जिस आदेश को जिंदगी की शुरुआत में अपनाना था वो आपकी आखिरी रस्म बन जाए। सना खान इतना बोलकर भावुक हो जाती है, जिसका वीडियो इंटरनेट पर एक बार फिर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर हिजाब विवाद को लेकर लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। एक शख्स ने उर्फी जावेद की तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, एक मुस्लिम महिला के भक्ति गीत गाने पर फतवा जारी होता है, परंतु उर्फी जावेद के नंगी रहने पर फतवा जारी नहीं होता। क्लास में हिजाब के लिए फतवा जारी होता है, परंतु किसी भी मौलाना मौलवियों को इसकी नग्नता नहीं दिखाई दे रही। ताहिर अनवर नाम के शख्स ने ट्विटर पर लिखा, लखीमपुर रेप केस देश में औरतों की सुरक्षा पर फिर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। क्यों हम एक तरफ हिजाब और चॉइस का ढोंग कर रहे हैं, वहीं हमारे ही लोग ऐसी जघन्य घटना में शामिल है। किधर है वो लोग जो हर बात को मजहबी आईने में देखते हैं पर अपनी कौम को सुधारने के लिए फिक्रमंद नहीं होते। टीपू सुल्तान पार्टी के प्रवक्ता ओसामा शेख लिखते हैं, बाकी आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में क्या? अगर कोई मुस्लिम कमेटी वाला स्कूल ये निर्धारित कर दे कि हिंदू बहनों को भी हिजाब लगाना अनिवार्य है, तब भी सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि स्कूल को अधिकार है या बहुसंख्यक समाज की भावना को देखते हुए फैसला बदल दिया जाएगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।